लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान कांग्रेस के लिए आज का दिन निराशाजनक कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 25 दिग्गज नेताओं सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित वरिष्ठ नेताओं ने नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा, सेवादल से जुड़े रहे सुरेश चौधरी, विनोद पूनिया और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके रामपाल शर्मा सहित बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष भीलवाड़ा रामपाल शर्मा, पूर्व विधायक राम नारायण मीणा, किसान नेता अमित व्यास, पूर्व आईएएस ओंकार सिंह चौधरी, गोपाल राम ककड़ा, अशोक जांगिड़, प्रिया सिंह मेघवाल, राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चौधरी, राजेंद्र परसवाल, शैतान सिंह मेहरडा, प्रधान पंचायत समिति जोबनेर रामनारायण झाजड़ा, प्रधान पंचायत समिति झोटवाड़ा जगन्नाथ बुर्डक, करमवीर चौधरी, कुलदीप देवा, बच्चू सिंह चौधरी, रामलाल मीणा, महेश शर्मा, रणजीत सिंह और मधुसूदन शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय के बाहर मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। मिर्धा ने कहा कि कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं की कोई कद्र नहीं है। कांग्रेस में अब सिर्फ ऐसे नेता रह गए हैं जो कि दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। रिचपाल मिर्धा ने कहा कि वे नागौर के सबसे सीनियर कांग्रेस नेता हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें कभी संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी। चार बार विधायक रहने के बाद भी कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए टिकट काट दिया क्योंकि सीनियर नेता को मंत्री बनना पड़ सकता था। कांग्रेस परिवार से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, संगठन में काम करेंगे, जो मोदी जी की नीतियां उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनके जो कार्यक्रम है, उनकी जो रीति नीति है, संगठन का जो बूथ का कार्यकर्ता बन के हर व्यक्ति काम करेगा, इनका जो पुराना संगठन है और हम जो लोग शामिल हुए सब मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस के नेता ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। अब मैं 50 साल से कांग्रेस में हूँ और मेरे को आज तक न तो कोई संगठन में जिम्मेवारी मिली, ना मेरे को किसी कोई पीसीसी से लगाकर कोई कांग्रेस में कोई पार्टी ने कोई जिम्मेवारी दी, तो मैं क्या काम करूंगा वहां। इसलिए हमारा मन उब गया इस कांग्रेस में। कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे नेता है क्या, इन तक आपकी बात नहीं पहुंची? उन सबको बताया साहब, वो नेता चाहते ही नहीं है कि ऐसा कोई आदमी जमीन से जो जुड़ा हुआ है वो आगे बढ़े। ये जमीन से जुड़े हुए लोगों को नहीं चाहते, ये इनके चाटू का चमचे यही आगे छाए रहते हैं। इसलिए हम दुखी होके इस कांग्रेस पार्टी से निकले। बीजेपी में आने का प्रमुख कारण क्या, लास्ट सवाल? बीजेपी में तो साहब जो नरेंद्र जी मोदी का सपना है विकसित भारत का, उसके लिए काम करेंगे। अब जो जीवन बचा है उसमें लगाएंगे। फिर और क्या दायित्व मिलने की आपको? नहीं, दायित्व तो मिले नहीं मिले ये पार्टी निर्भर करता, मैं कभी नहीं मांगता। मैं मांगता हूँ ऊपर वाले से, इस जनता से। लोकसभा चुनाव नजदीक है लेकिन राजस्थान के कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। लालचंद कटारिया जी आज बीजेपी में शामिल हुए है और भी कई नेता शामिल हुए, क्या कहना है आपका, किस तरह क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कारण क्या है? ये तो कारण तो वो ही बता सकते हैं कि वो डर की वजह से जा रहे हैं या लालच की वजह से जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन नेताओं को कोई देने में कमी नहीं छोड़ी, कांग्रेस पार्टी ने खूब दिया है। जब भी चाहे केंद्र की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, चाहे मान सम्मान की बात हो, पार्टी के अंदर पद देने की बात हो, पार्टी ने तो कोई कमी रखी नहीं। आज जिस प्रकार से चुनावी मौसम के अंदर क्या लोभ लालच है, क्या डर भय है, अब ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन कितना नुकसान होगा कांग्रेस को, पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव के भीतर? देखिए, कुछ नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन टूटेगा उस दिन पार्टी को नुकसान है, नेताओं के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत हैं और वो जानते हैं कि हमें क्या करना है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी इस समय जिस प्रकार से एक कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, वो रोजाना कांग्रेस को शामिल करा रही है, तो वो ये बताए कि कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में अंतर क्या है। जब आप कांग्रेस की विचारधाराओं के लोगों को बीजेपी में मिला रहे हो तो बीजेपी की विचारधारा कहां बची है,
और आपका जो नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य, वो कहां है? मैं तो यही कहना चाहूंगा, ऐसे कांग्रेस कमजोर होने वाली नहीं है, बीजेपी कमजोर है। 370 पार की बात करती है, 400 पार की बात करती है, उसको कहीं डर है कि वो कहीं 200 बेहतर ही नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो सारे अतकंडे अपना रही है, सब प्रकार से प्रयासरत है। जब वो खुद ही 400 पार है तो उनको क्यों जरूरत पड़ रही है इन लोगों की।